हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी, बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। सो फाइनली मैं आज से आ गया हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, मैं आज इस वीडियो के बारे में बात करूँगा। आप किसी भी फाइनेंस से लोन लिया है तो ये बजाज फाइनेंस से या फिर HDFC फाइनेंस से, जो भी बहुत सारा फाइनेंस है, तो किसी भी फाइनेंस से लिया हो तो आपका EMI पे करना है। अगर आपका EMI ड्यू हो जाता है किसी भी वजह से, आपका अकाउंट में बैलेंस है फिर भी ड्यू हो गया है, तो वो आप क्या करना है, कैसे करना है, आपको ये जो चार्ज होता है, जो फाइन होता है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो आपका भविष्य में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि एक दो साल बाद आपका लोन क्लियर हो जाता है, आपका ड्यू जो हो गया है वो आपका बैलेंस रह जाएगा, बाद में लास्ट में ये फाइनल नहीं किया तो आप किसी भी लोन नहीं ले सकते हैं, कोई भी लोन नहीं ले सकता है फाइनली। तो आपको ये कैसे क्लियर करना है, ये पहले ही क्लियर करना पड़ेगा, बाद में आपको करता है तो आपका ये जो जितना काट हुआ है इससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसका भी टैक्स हो जाता है। जैसे कि समझ लो आपका फाइन 500 रुपीज़ हो गया है एक महीना ड्यू के लिए। सो ये एक महीना ड्यू हो गया, आप ये फाइन पे नहीं किया तो नेक्स्ट महीना ये 500 से और जितना टैक्स होता है, मतलब 10% होता है, इस 500 से ये इतना ही हिसाब करके कैलकुलेट करके इसको ऐड होता जाएगा। आप अगर ये नहीं किया तो एक साल में इसके कितना होता है पता नहीं है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये आपको पूरा क्लियर करना है, कैसे करना है आपका अगर मालूम नहीं है तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और जो नया लोग हैं मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अभी क्या करना है गाइज, आपका जो बजाज फाइनेंस का जो ऐप्स है वो ऐप आपको ओपन कर लेना है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद गाइज क्या करना है, आप अभी देखते हैं ये ओपन हो गया है ऐप, यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा आपको EMI का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए यहाँ पर, उसके बाद गाइज सी EMI कार्ड नाउ यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद गाइज देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर SMS के लिए अलाउ मांग रहा है, तो आप अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका लिमिट दिखा रहा है, आप कितना लोन ले सकता है, अप्रूव दिखा रहा है, इतना ले सकता है आप, लिमिट दिखा रहा है। और गाइज यहाँ पर देखिए आपका बजाज कार्ड जो है यहाँ पर शो हो रहा है, आपका बजाज कार्ड यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। डिटेल्स देखने के लिए व्यू पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका सभी पूरा डिटेल्स यहाँ पर रहेगा, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा बड़ा लोन नहीं लिया है, मेरा एक फ़ोन ही लिया है ओनली, ये देखिए 40,990 रुपीज़ का है। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक EMI ड्यू हो गया है, और ये कैसे हुआ मेरा मुझे भी पता नहीं है, मेरा अकाउंट में बैलेंस था फिर भी ड्यू हो गया है, लेकिन क्या करें अभी तो ये पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं क्या करता है अभी पे करता है। देखिए पे करने के लिए आपको ये लोन नंबर जो है आपको पहले नोट कर लेना है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, और अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते, ये जो लोन नंबर दिखा रहा है यहाँ पर ऊपर में जो बड़ा बड़ा अक्षर में दिखा रहा है, यही आपको कॉपी कर लेना है या फिर नोट कर लेना है। ये नंबर से आप फ़ोनपे या गूगल पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से आप पे कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए ये नंबर को नोट कर लीजिए। सो गाइस, नोट करने के बाद आप बैक चले जाइए, यहाँ पर आपका जो फ़ोनपे ऐप है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आपका जो नोट किया हुआ नंबर है वो आप पास में रख लीजिए। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर लोन रिपेमेंट करके रखा है, उसमें आपको क्लिक करना है। सिंपली करने के बाद यहाँ पर आपका जो फाइनेंस है वो उसमें क्लिक करना है, मेरा बजाज है, मैं बजाज में क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप जो नंबर नोट किया था वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए या फिर पेस्ट कर दीजिए, तो मैं नोट किया हुआ नंबर डाल देता हूँ।
सो गाइज डाल दिए, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। सो गाइज देखिए ये नया इंटरफेस ओपन हो रहा है, इसमें आपका फाइन कितना है, इंस्टॉलमेंट कितना है सभी दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट है 1499 रुपीज़ है और मेरा फेनाइल ओवर ड्यू का है 603 रुपीज़। मेरा एक महीना ड्यू हो गया था इसके वजह से ये 600 मेरा को पे करना है। सो गाइज क्या करें, पे करना ही पड़ेगा नहीं तो मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। ये गाइज बेसिकली होता है आपका जो बैंक है उसमें सर्वर नहीं रहता है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसको क्लियर करना है नहीं तो नेक्स्ट महीना में इससे भी ज़्यादा होता है इसका भी टैक्स होता है। तो आपको क्या करना है, पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आप जैसे किसी को पे करते हैं सेम उसी तरह पे कर दीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, देखिए गाइज हो गया है पेमेंट सक्सेसफुली। तो गाइज इसी तरह आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और किसी भी बात के लिए पूछना है तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।